हमारा टिक्की चाट है, ये बहुत से स्वादिष्ट लगता है खाने में, ये बनाना बहुत ही ईजी है, तो इसका रेसिपी हम आपको बताते हैं। ये हमारा टिक्की चाट है, तो चलते हैं बनाते हैं इसे। मैं रजनी तिवारी, न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं इंडिया के सबसे फेमस स्ट्रीट फूड टिक्की चाट की रेसिपी बताने वाली हूँ, बहुत ही आसान तरीका से, कि देखते ही आपके मुँह में पानी आ जाए। तो चलते हैं किचन में। टिक्की चाट बनाने के लिए हम इंग्रेडिएंट देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। तो टिक्की के लिए हमने ये दो बॉयल आलू लिए हैं, इसको मैश कर लिए हैं, ठंडा हो गया है। इसमें हम ये थोड़ा सा पोहा डालेंगे, पोहा डालने से बहुत बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है, तो चाट हमारे बहुत परफेक्ट अच्छा बनेगा। और ये थोड़ा सा हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट लिए हैं, और ये हमारा बॉयल किया हुआ काबली चना है, हम काबली चना से टिक्की चाट बनाएंगे। और ये दो टमाटर को हम बारीक कट कर लिए हैं, और ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, और ये दो मीडियम साइज का छोटा छोटा प्याज हम कट कर लिए हैं, और ये हमारा चाट मसाला है। तो हम टिक्की तैयार कर लेते हैं। टिक्की के लिए हम आलू का मैश करेंगे, और इसमें जो पोहा है इसे हम मिलाएंगे। ये थोड़ा सा इसमें से हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। ये हम टिक्की तैयार कर रहे हैं, इसके अंदर स्वाद के अनुसार इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। आलू और पोहा को हमने मिला लिया है, अब हम टिक्की का शेप देंगे। आप जितना बड़ा साइज की आप बनाना चाहते हैं उतना बड़ा इसमें से आप गोल ले सकते हैं, गोल गोल, और इतना बड़ा बड़ा आप इसको शेप दे सकते हैं। ये हम टिक्की उतना बड़ा आप बॉल ले सकते हैं, इतना बड़ा आप इतने से बॉल लीजिए और इसको टिक्की का शेप दे दीजिए इस तरह से। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, और हमारे जो इसमें पोहा है तो टिक्की से इतने बहुत ज़्यादा कुरकुरी होती है, इससे मुझे चाट बहुत अच्छा बनता है। टिक्की का शेप हमने दे दिया है, अब इसे साइड करेंगे और हम काबली चने के छोले बना लेते हैं। छोले बनाने के लिए गैस जला के हमने इसे कुकर रख दिया है, कुकर हमारा गर्म हो गया, इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम दो तेजपत्ता डालेंगे, एक चम्मच इसमें हम जीरा डालेंगे, इसमें दो हम सूखी लाल मिर्च डालेंगे, इसको थोड़ा सा हम रोस्ट होने देंगे। और इसमें दो कटा हुआ प्याज डालेंगे, और इसे हम गोल्डन फ्राई होने तक भून लेंगे। प्याज हमारा अच्छे से भून गया है, गोल्डन कलर आ गया है, अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो ये दो काटा हुआ टमाटर है इसे हम डालेंगे, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है इसे हम इसमें डालेंगे, और इसमें आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे, और ये थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, और इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक अब इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे, जब तक मसाले से तेल अलग ना हो जाए तब तक इसे हम भूनेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भून गया है, मसाले से तेल अलग दिख रहा है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम ये काबली चना ऐड करेंगे, इसे भी हम भून लेंगे। काबली चने हमारे भून गए हैं, अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी
कर दिया। अब इसमें एक सीटी लगाने तक इसको पकाएंगे। जब तक कुकर में सीटी देगा तब तक दूसरी तरफ हम टिक्की को कुरकुरा होने तक सेक लेंगे। टिक्की को अब हम पलट के दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। कुकर में एक सीटी लग गया है, हम गैस को ऑफ करेंगे और हम ठंडे होने तक छोड़ देंगे। टिक्की हमारा दोनों तरफ से सीख गया है और छोले भी बन के रेडी है। अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये हम दो यहाँ पे टिक्की रखेंगे। अब हम टिक्की को इस प्लेट में रखेंगे और इसके ऊपर हम चाट डालेंगे, जो काबली चने के जो छोला है ये के ऊपर हम डालेंगे। हम दही डालेंगे। ये भुना हुआ जीरा है, ये काला नमक डालेंगे, ये कटा हुआ प्याज है, ये हरी मिर्च है, ये चाट मसाला डालेंगे। ये सेव डालेंगे, थोड़ा सा हम मुरमुरे डालेंगे। हमारा चाट बनके रेडी हो गया है। आप भी बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। थैंक यू।